उस समय सनसनी फैल गई जब कृषि उपज मंडी के सामने रवि ट्रेडर्स के यहां पर व्यापारी टिंकल शिवारे की दुकान में दो अज्ञात बदमाश बाइक से आए और दुकान में रखा 2 लाख रुपए अपने साथ उठाकर ले गए। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस समय वे पूरी वारदात को अंजाम दिया उस समय गल्ला व्यापारी अपनी ही दुकान के बगल की ही दुकान में एक किसान के लिए गल्ला तोल रहा था एवं उसका दूसरा भाई बगल की होटल पर पानी पीने चला गया था। इस मौके का फायदा उठाकर एक आरोपी दुकान के अंदर आया और रुपयों से भरा हुआ पूरा गल्ला उठाकर ले गया और पास ही इंतजार में खड़े उसके दूसरे साथी के साथ भाग निकला। जैसे ही दुकानदार ने दुकान में आकर देखा कि उसके पैसों से भरा गल्ला गायब है तो व्यापारी ने शोर मचाया, तभी आसपास के लोग जमा हो गए। तत्काल पुलिस को भी सूचना दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आसपास में लगे सीसीटीवी फुटेजों को खंगाला तो पता चला कि दोनों बदमाश मोटरसाइकिल से आए थे और गल्ला लूटकर ले गए। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच शुरू कर दी है और शहर में नाकाबंदी भी कर दी। आए हुए यहाँ से सीधे आके मैंने गाड़ी खड़ी करी, गाड़ी खड़ी करके अब मैंने देख करना मान लेंगे देख करना तो ठीक काम करने हैं। ये मंडी के गेट से निकल रहे हैं। हाँ ये आए सर, ये लोग इधर से ही आए, इधर से आए ये कैसे इधर में घुमा के गाड़ी लगा 2:02 पर। आप कहाँ खड़े थे? मैं सर ये इधर था। आपके सामने नहीं निकाला? नहीं नहीं सर, मैं यहाँ खड़ा हूँ, किसानों से डील कर रहा था, माल वाल तोड़ रहा था। मैं यहाँ दुकान पे भाई बैठा था छोटा वाला। आने में दो लड़के आए और उनने गल्ला उठाया मेरे गल्ले में 2.25 लाख रुपए रखे थे, उठा के सीधा मोटरसाइकिल पे रखा और निकल गए। और कौन था आपके साथ में दुकान पे? दुकान पर लेबर थी और किसान थे बस। तो ये अच्छा रहा मैं उस पीरियड में वहाँ नहीं था दुकान पे। कैसे जानकारी मिली कि आपको? तो मंडी का कैमरे में देखा हमने, ये सीसीटीवी कैमरे में फुटेज देखा तो उसमें दिख रहा है क्लियर कि दो जने आए मोटरसाइकिल से, उन्होंने गल्ला उठाया वहाँ से निकल गए। उस पीरियड में अगर हम होते तो हम पे भी वो कोई हमला करते वो ले जाते उसे लेने की पर्वत से आए। क्या लगता पहले से कोई मिली भगत थी क्या सर? ठीक सर, वो एक बार और ऐसा हो चुका है, वो कोई दुश्मनी वाला काम है, कोई ऐसा काम है, मिली भगत है ये वहाँ से, किसी ना किसी बंदे का काम है वहाँ बगल में, किसी ने फ़ोन करके बुलाया है उनको और बताया है कि इस समय काम में लगे हुए हैं, किसी समय पे गल्ला ले जाओ। करीबन 1:45 के करीबन हमें जानकारी मिली थी कि मंडी गेट के जस्ट सामने जो व्यापारी हैं रवि शिवहरे की दुकान है, उनकी दुकान से उनका ये वर्जन था कि उनकी दुकान से गल्ला गायब है और चोरी का उन्होंने अंदेशा जताया था। फिर हमने तत्काल प्रभाव से टीम रवाना की थी और सीसीटीवी फुटेज की जानकारी के लिए भी हमने कुछ लोगों को बोला था। उससे अभी तक ये जानकारी निकल कर आई है कि 2 लोग थे, एक मोटर बाइक से आए थे और किस दिशा में गए वो सीसीटीवी से कंफर्म हो गया है और हम उस पर अभी वर्कआउट कर रहे हैं। टीम गठित कर दी गई है, आसपास के थानों से संपर्क किया जा रहा है और जितने भी थाने शहर में जितने भी सीसीटीवी लगे हैं उनसे मूवमेंट ट्रैक करके हम पता लगाने की कोशिश। सर जो व्यापार ही है उसका कहना है कि 2 लाख रुपए के समथिंग गए हैं, क्या है क्या लगता है? एग्जैक्ट अमाउंट अभी व्यापारी से चर्चा करके पता किया जाएगा। व्यापारी का कहना है कि 1.5 लाख की रकम केंद्र में उस वक्त बाजार में है, बिना नंबर की बाइकें चल रही सर, उस पर क्या कार्रवाई की जाना चाहिए क्योंकि ये भी बिना नंबर की बाइक थी सर। बिना नंबर की बाइक पर मेरा हमेशा से मीडिया से मेरा हमेशा आग्रह है कि जब हम पुलिस के द्वारा चेकिंग की जाती है तो काफ़ी रेजिस्टेंस पब्लिक के द्वारा होता है कि अभी हमने खरीदी है अभी है, बट होता है कि जब क्राइम होता है तब उसका ट्रेस काफ़ी मुश्किल हो जाता है और उसका खामियाजा अल्टीमेटली पब्लिक को भुगतना होता है क्योंकि बिना नंबर की गाड़ियों की ट्रेसिंग थोड़ी डिफिकल्ट हो जाती है। इसलिए मेरा यही अनुरोध है कि जैसे ही आप गाड़ी खरीदते हैं जितना जल्दी हो सके नंबर आए तो उसको नंबर प्लेट लगवाएं और पुलिस की साइड से यह कार्रवाई की जा रही है कि रोज़ प्रतिदिन यहाँ पर चेकिंग करवाई जा रही है। बिना नंबर प्लेट की जो भी गाड़ियाँ होती है उनका बिल डेट मांगा जाता है, अगर बिल डेट विद इन 15 डेज का होता है तो व्यापारिक रूप से उन्हें जारी किया जाता है क्योंकि इतने टाइम में नंबर नहीं आते हैं, अदर असल पर चालानी कर देते हैं। सर क्या लगता है आपको, दिन दहाड़े कोई 2 लोग आए दिन दहाड़े लूट के ले गए, क्या पुलिस का बिल्कुल भी कोई खौफ नहीं है?
शहर में? डेफिनेटली अभी मंडी में चूँकि गेहूँ की फसल की कटाई के कारण काफ़ी आवाजाही हो रही है, इसके कारण ट्रैफिक भी है, काफ़ी मूवमेंट भी हो रहा है, तो उसी मूवमेंट का जो चोर है वो फायदा उठाने में कामयाब रहे हैं। लेकिन मैं भरोसा दिलाता हूँ कि हमारी जो टीम लगी है जल्द से जल्द इसे ढूंढ पाने में कुछ पहचान हो चुकी है क्या? अभी थोड़ी कुछ उन इनपुट्स हमें मिले हैं किस तरह के वो लोग थे, किस टाइप से कपड़े पहने हुए थे, कौन सी मोटर बाइक थी, किस दिशा से आए थे, किस दिशा में गए थे, ये सारी चीज़ें हम अभी तक पता करने में सफल हुए हैं। इसके बारे में आगे उन्होंने क्या रास्ता फॉलो किया इसकी डिटेल अभी हम जल्द से जल्द।